हेलो राधे 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 बोलो। आइए आइए हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग पे। मैं हूँ आशा, हम गुवाहाटी पे हैं एंड कल हम पूरे दर्शन करके आए माँ कामाख्या के। आज हम लोग आए हैं उमानंदा टेंपल जाने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, शिव जी का मंदिर है एंड वो बिल्कुल यहाँ से फेरी से जाते हैं वहाँ पे। ब्रह्मपुत्र रिवर है ये, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी फेरी होती है ना, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और ये फेरी जा रही है, शायद उसमें जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी फेरीज होती है, बोट होते हैं, प्राइवेट भी एंड गवर्नमेंट भी। प्राइवेट वाले तो बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, आना जाना 2000 समथिंग करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की फेरीज होती है उनके चार्ज थोड़ा कम होते हैं। देखा फेरी तक जाने के लिए कच्चा रास्ता पूरा बैम्बू और लकड़ियों का, वहाँ से ऊपर जाए, ऊपर से रोड है, बहुत सारी फेरीज है। अभी इसका टाइम है तो अभी यहाँ से हमने टिकट काउंटर से ले लिए, टिकट ले लिए हमने, 40 रुपये पर पर्सन है तो यहाँ टिकट है। तो अभी वो लोग आ रहे हैं, तो अभी ये वाले सब चढ़ रही है ना, भीड़ देख लो। इतनी बहुत बड़ी फेरी है, मैं फेरी में फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ, देखो इतने सारे लोग आ गए उसमें। वहाँ अंदर चेयर्स है और ये बाहर का एरिया है। तो अभी जो हमारी फेरी वो स्टार्ट नहीं हुई है, 11:30 बजे का टाइमिंग है इसका, और आपको थोड़ा इसका टूर देती हूँ। ये है इसका इतना करके आसाम, ये ऐसे कुछ अंदर सीट्स है, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं हम, सीट्स तो है ही, और लाइफ जैकेट भी रखी हुई है यहाँ पे, और काफ़ी सीट्स है। पीछे का एरिया उधर ऐसा है, किचन द ग्लू फॉल द रोल, कम से कम 200 लोग हैं यहाँ पे ना, ऐसा मतलब बहुत भीड़ रहता है क्योंकि यहाँ पे लोकल में ऐसी चीज़ें लोकल मिलते हैं। यहाँ पे आगे और रोपवे भी है, तो अभी हमारा प्लान तो है रोपवे में जाने का, देखते हैं क्या होता है। घर आइसक्रीम जाना, जिसके टावर दिख रहे हैं वहाँ पे, शिव जी का मंदिर है। हाँ वही तो यही सारी चल रही है, लग रहा है ना धीरे धीरे। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर, उमानंदा। पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे उतरेंगे सारे लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए। उतर चुके हैं, ये अपनी फेरी, और यहाँ से ऊपर मंदिर स्टार्ट। वक्त सोचा तो अब चल गए हैं मंदिर की तरफ के लिए, ऊपर चलना पड़ता है थोड़ा, 100-200 मीटर नहीं होगा, हाँ मतलब पास में ही है, फटाफट से चलते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, काफ़ी भीड़ है मंदिर में, लाइन लग जाएगी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारने और प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, दुकानें हैं यहाँ पे, और ऊपर मंदिर है, बहुत सुंदर लग रहा है। सारे लोटस, तो पहुँचने वाले हैं हम मंदिर पे, पहुँच गए, जस्ट दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गणपति का मंदिर है, देन यहाँ पे जो मेन टेंपल है ये है, और भी बहुत सारे यहाँ पे मंदिर टेंपल वगैरह बन रहे हैं। हमने दर्शन कर लिए, फिर यहाँ पे हमें दिया भी चला गया और अंदर भी चले गए, दर्शन करके आ गए। यहाँ पे मंदिर है, हर जगह शिव जी के मंदिर है, नीचे ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये वाले बहुत सारे मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। हम तो दर्शन करके आ गए,
अभी हमें कुमाऊनी फैमिली मतलब गढ़वाली फैमिली मिली उत्तराखंड से, उन्होंने टोपी पहनी थी तो हमने पहचाना उनको कि आप लोग उत्तराखंड से, तो बोले हाँ चलो ये अपनी टीम है चलो। तो हो चुके हैं हमारे दर्शन उमानंदा के जी फैमिली, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं। अच्छा बहुत मंदिर है यार। तो हो चुके हैं हमारे दर्शन वगैरह, हम सब के दर्शन करके आगे जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पेड़ों की छाव में तो बहुत अच्छा लग रहा है। धूप भी कम ही है वैसे, देखो ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ पे दिख रही है और ये मेन गेट है यहाँ से अंदर। अब नीचे की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हमने शूज वगैरह अपने रखे थे। तो अगर आप लोगों को भी आना है मंदिर पे तो आप अपने फेरी लेके आ सकते हैं 40 रुपये आना जाना। हाँ वैसे एक टाइप का 20 रुपीज़ गवर्नमेंट वाले में। भैया आप कौन है, हमने तो आपसे बात ही नहीं करी। मैं डीएन गुस्सा हूँ। नहीं भैया आप कोई और लग रहे हैं। देखो लोग हाँ जान लोग भी हमसे कैसे बातें करते हैं। कह रही भैया आपने, ये मम्मी आज बच्चों की वीडियोग्राफर बनी पड़ी है भैया, बस सबसे बच्चों की फोटो खींचते जा रहे हैं। ये मिनी ब्लॉगर है। अच्छा ब्लॉगर तो है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। मनन सिस्ट्री देखो, तो यहाँ पे कमल बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो भी मंदिर के फूल वगैरह में कमल का फूल हमेशा होता है। देखो मैंने लोटस का फूल मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी ना कामाख्या देवी में ही देखा था, वैसे पूरा खिलता है ये तो तोड़ के लेके आते हैं, तो प्रसादी वगैरह में यही होता है मतलब। आज अच्छा लग रहा ना लोटस का फ्लावर। अब चलते हैं अपनी फेरी के पास नीचे। ये देखो वहाँ से नीचे जा रहे थे हम, यहीं से ऊपर आए थे और जो फेरी आ रही है। तब हमारी आसाम की ट्रिप यहीं पे खत्म होती है, अभी शुरू होती है, अभी और घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे बाद अब में। बाद में ना फिर इस बार की एक बार स्टेट टच कर लिया हमने। हाँ एक और स्टेट हो गया हमारा कंप्लीट, टच कर लिया मतलब कंप्लीट तो हो गया ही हुआ है। इस बार का जो हमारा जो जर्नी थी ट्रिप था दो तीन दिन के लिए था, तो तीन दिन में जितना भी हो सका वो हमने कवर किया। कल तो हम मंदिर पे ही रह गए थे। तो यहाँ पे जगह जगह आपके फ्रूट वाले चाट पापड़ी नारियल पानी आगे ये सब खाने पीने के सामान है, तो हमने फ्रूट चाट वगैरह खा लिया है। आ जाओ चले अब। अब एक और फेरी आई, देखो कितने फेरी आते जा रही थी, तो सारी कितनी भीड़ है यार यहाँ पे भी। यहाँ पे बेम्बू की प्रोडक्ट मिलते हैं फेमस। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके रस्सी से ऊपर वहाँ से बात के यहाँ पे शिप को स्टॉप कर लेंगे। देखो कितनी रेतीली मिट्टी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो प्रणाम करा ही नहीं ब्रह्मपुत्र को, थोड़ा ब्रह्मा जी को भी तो प्रणाम कर देते हैं, थोड़ा तो टच करते हो पानी। अभी तो मिट्टी रेतीली है। अभी वेट कर रहे हैं हम, अभी तो 130 पर जाएगी तो फेरी के लिए वेट कर रहे हैं सारे। ये है यहाँ के टाइमिंग, 130 में जाएंगे वापस। सभी लोग चढ़ गए हैं बोट में, हम लोग भी चढ़ गए, भूख लग रही है और यहाँ से हमें वो घर जाना है वापस। 10 मिनट भी नहीं लगाया ना हमको वहाँ से आने में, तो निकल चुकी है हमारी बोट वापस की तरफ। बहुत तेज धूप है, देखो सारी धूप ही धूप है। देखो स्टॉप करने के लिए कैसे उसमें से रस्सी इसमें डालते हैं हमको से,